होली के मौके पर परंपरा, आस्था और भक्ति के रंग में पूरा ब्रज डूबा हुआ है। बरसाना में सदियों पुरानी लीला एक बार फिर जीवंत हुई। लठमार होली खेलने के लिए कृष्ण के नंदगांव से हुरियारे राधा रानी के गांव बरसाना पहुंची। बरसाना की हुरियारों ने प्रेम से पगी लाठियों से उन पर बरसाई। बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट का अंदर से लग रहा था कि होली खेलने जाएंगे, बरसाना खेलने जाएंगे, एंड आज हमने खेल ही ली राधा रानी के चरणों में। आज होली खेल के बड़ा मजा आया हमें। ब्रज की होली प्रथा चली आ रही है ब्रज की होली से। कान्हा के साथ में राधा रानी खेली थी होली, तो वही सब यहाँ के लोग उसी चीज को आगे दौड़ा रहे हैं। बरसाना में नंदगांव के ग्वालों पर बरसाने की गोपियां लठ से बरसात कर रही हैं और ये लठामार होली यहां पर खेली जा रही है। आप देखिए किस तरीके से नंदगांव के ग्वाला सर पर ढाल लेके बैठे हैं और यहां पर जो बरसाना की गोपियां हैं लाठियों से बरसात कर रही है और ये परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के प्रतीक के तौर पर बरसाना नंदगांव के बीच में होली खेली जाती है। एक दिन पहले फाग निमंत्रण दिया जाता है, जिसके बाद नंदगांव के ग्वाला बरसाने में होली खेलने के लिए आते हैं और उसके बाद बरसाना के लोग नंदगांव होली खेलने के लिए जाते हैं। बड़ा विहंगम दृश्य, और जहां तक आपकी नजर जाएगी देश और दुनिया से आए हुए लोग आपको नजर आएंगे और सिर्फ राधा और कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर यहां पर होली का आनंद उतना ही आनंद यहां पर लाठियों की बरसात करने वाली गोपियों को भी आ रहा है, क्योंकि ये दृश्य आपको सिर्फ ब्रज में नजर आएगा। और राधा और कृष्ण के गांव नंदगांव और बरसाना का ये दृश्य है और किस तरीके से यहाँ तैयारियां थी। बहुत आनंद आता है हमें, हर साल हम बहुत तैयारी करते हैं, इस होली का बहुत इंतजार करते हैं। अब जाएगी, अभी से हम अगली साल का इंतजार करेंगे कि अब कब आए होली, कब आए, और करीब एक महीने पहले से हम इस होली की तैयारी करते हैं। नंदगांव और बरसाने के प्रेम के प्रतीक होली का आज आयोजन, लठामार आयोजन आज बरसाने में किया जा रहा है, जिसके बाद नंदगांव में लठामार होली खेली जाती है। कल सरबाज़ जी मीडिया बरसाना।